देश में हर तरफ महंगाई की चर्चा है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, सब्जियों, दाल तथा अन्य रोजमर्रा की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। बहुत से लोगों के सामने संकट जैसी स्थिति पैदा हो गई है, खासकर मध्य वर्गीय परिवार का, जिन्हें सरकार की ओर से न तो मुफ्त में अनाज मिलता है और न ही सब्सिडी में बिजली या फिर अन्य दूसरी सामान। ऐसे में हर एक व्यक्ति चाहता है वह कम से कम पेट्रोल की खपत करे ताकि कुछ पैसा बच पाए। ऐसे में हजारीबाग 3 नंबर थाने के निकट कृष्णा अब घोड़े से एक जगह से दूसरे जगह जाना पसंद करता है। कृष्णा अपने शौक और पैसा कमाने के लिए घोड़ा पाला है, लेकिन उसका यह शौक अब पेट्रोल के पैसे बचाने में मददगार साबित हो रहा है। कृष्णा अगर कहीं जाते हैं तो वह घोड़े से ही जाना पसंद करते हैं। उनका कहना है कि हमारे पास कार भी है और मोटरसाइकिल भी। पहले तो हम लोग आसपास के काम मोटरसाइकिल से कर लिया करते थे, अगर थोड़ी दूरी पर जाना होता है तो कार का उपयोग करते थे, लेकिन अब बहुत कम ही मोटरसाइकिल और कार का उपयोग करते हैं क्योंकि गाड़ी चलाना महंगा हो गया है। उनका कहना है कि घोड़े को चारा देने में भी पैसा खर्चा होता है। ऐसे में हम लोगों ने सोचा क्यों न मोटरसाइकिल की जगह घोड़ा का ही उपयोग लाया जाए। इसकी वजह से तेल का दाम ही इतना बढ़ गया है कि क्या कर रहे हैं, मजबूरी है घोड़ा से चलना। दिन भर में अगर घूमते तो अभी 1 लीटर भी होता नहीं है तेल। प्लस है कि इसका तेल बढ़ने की वजह से महंगाई भी बढ़ गया है। हालाँकि इसका भी चारा भी तो बहुत महंगा हो गया है, लेकिन क्या करें, अब रखे हुए तो इसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। कृष्णा अपने घोड़े बादल की मदद से कुछ पैसा भी कमा लेते हैं। वे कहते हैं कि प्रत्येक दिन हम अपने घोड़े से झील परिसर के आसपास पहुंचते हैं और वहां के लोगों को हॉर्स राइडिंग कराते हैं। घोड़े भी बच्चे पर सवार होकर मस्ती करते हैं, ऐसे में कुछ आमदनी भी हम लोग को हो जाता है। इसके अलावा हम लोग हॉर्स राइडिंग भी सिखाते हैं। इस घोड़े से ही हम लोगों का घर का भरण पोषण चलता है। हमारा ऊपरी खर्चा भी इस पर निर्भर करता है, लेकिन इस महंगाई के दौर में हम लोग न हॉर्स राइडिंग सिखा पा रहे हैं और न ही बच्चे अब घोड़े पर चढ़ना पसंद करते हैं। घोड़ा पर हम लोगों का खर्च भी है। ऐसे में सब संतुलित करने के लिए हम लोगों ने यह फैसला लिया कि क्यों न घोड़े पर ही सवारी किया जाए। गौरव प्रकाश, ईटीवी भारत, हजारीबाग।